अच्छी थी। मैसेज अच्छा था कि जो गांधी के थॉट्स और जो गोडसे के थॉट्स है वो दोनों साथ में लेके आगे आगे चल सकते हैं, और वही मूवी में बताया हुआ एंड में भी। बहुत अच्छी एक्टिंग लगी है उनकी। उन्होंने लास्ट कश्मीर फाइल में भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी थी, तो आई थिंक ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए इनसे अच्छा अच्छा कोई एक्टर हो नहीं सकता था। आप क्या कहना चाहोगे गांधी के बारे में? मैं भी यही कहना चाहूँगी। फोर। हेलो, कैसी लगी मूवी गांधी वॉक्स? अच्छी अच्छी। क्या कुछ अच्छा लगा मूवी में? अहिंसा के बारे में जो विचारधारा है गांधी जी की, बहुत शानदार थी। क्या कुछ सीखने को था मूवी में? सीखने में यही था, मतलब अहिंसा, गांधी जी कहीं गलत नहीं थे, और गॉडसे भी अपनी जगह सही था, बट गांधी जी ज़्यादा पावरफुल थे। फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, सबसे इम्पोर्टेंट हाफ कौन सा था मूवी में? दोनों ही इम्पोर्टेंट थे। क्लाइमेक्स को क्या कुछ? दोनों ही बराबर थे, दोनों एडिटिंग जबरदस्त था, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और पाँच में से कितने स्टार्स? सॉरी, फाइव आउट ऑफ कितने स्टार्स? पाँच में से कितने स्टार्स दोगे? मैं तो पाँच में से पाँच देता हूँ। बहुत शांत। गांधी गोट से कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी। एक मैसेजिंग स्टोरी है, और एक जो जिस तरीके का देश में माहौल था कि बायकॉट और ये सब, तो एक बार उन लोगों को देखना चाहिए फिल्म। एक मैसेजिंग स्टोरी है, और बापू का स्थान बापू का ही स्थान, राष्ट्रपिता का स्थान है, उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़छाड़ की गई है। गोडसे का पक्ष जरूर दिखाया गया, बट उस समय क्या हालात थे वो सारी चीज़ें इस फिल्म में, और एक हैप्पी एंडिंग है फिल्म, बहुत हेल्दी फिल्म है, सबको देखना चाहिए। डायरेक्शन राहत साहब का तो सिर्फ नाम ही काफ़ी है साहब, तो वो फिल्म आप देखिए, बहुत अल्टीमेट डायरेक्शन, सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एक छोटा सा कैरेक्टर मेरा भी उसमें रिफ्यूजी का, जो शुरू में दो तीन सीन्स हैं वो मैंने भी किया है, और राज साहब हैं, तो फिर और ए आर एम साहब का म्यूज़िक है, तो ऑब्वियसली फाड़ू एक्टिंग है साहब, अल्टीमेट, मतलब बिल्कुल लगा कि सामने, एग्जैक्ट सामने रियल की गोट से। पाँच में से कितने स्टार देना? पाँच में से पाँच दूंगा सर मैं, फिल्म बहुत अच्छी है। सर कैसी लगी सर? बहुत अच्छी फिल्म थी। क्या कुछ ऐसी बात जो काफी? काम बहुत अच्छा था, रियल स्टोरी से परे थी फिल्म, दो लोगों के विचार थे, विचारों की लड़ाई दिखाई है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसको, बहुत अच्छे से फिल्माया गया है, और एक ही जगह दोनों कैरेक्टर को बताया गया है, जो गॉडसे को लोग नहीं जानते थे उनकी विचारधारा बताई गई है, वो किस विचार के थे, गांधी जी थे, सबका विकास सबका साथ वाले थे, और वो हिंदू तत्व की लड़ाई दिखाई है। गोडसे की एक्टिंग बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा काम किया। पिक्चर में क्या कुछ ऐसी थी बातें जो सीखने को हमारे यंगस्टर्स को सीखने के लिए? यंगस्टर को ये था, वो विचारों का झगड़ा है उनका अपना, वो एक हिंदू तत्व का विचार था उनका, सबका साथ सबका विकास था, जो मैंने बोला आपको वो था। फिल्म बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से बनाया है, कहानी वो नहीं है पर वो उसको समझाया गया, गॉडसे करेक्टर क्या था, गॉडसे की सोच क्या रही थी वो टाइम पर। पिक्चर का क्लाइमेक्स बहुत बेहतरीन था, क्लाइमेक्स दो तीन चार बार बताया गया, जो उनका बातचीत बताई गई वो बहुत अच्छी बातचीत थी। फोर स्टार। जो पिक्चर था, जो मतलब जो एंड करना चाहिए था वो एंड हुआ नहीं है, जो हिसाब से उन्होंने एंड करना चाहिए था तो उन्होंने हैप्पी एंडिंग के तरफ से एंड किया है, पर जो एंड होना चाहिए वो हुआ नहीं। पर पिक्चर में जो जो किरदार है उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। अच्छी बात क्या लगी मूवी में, अगर कुछ सीखने को था एज अ यंगस्टर? एज अ यंगस्टर आप सीखना चाहते हो तो उन्होंने ऐसा सीखा है कि अहिंसा, मतलब जो गांधी का है जो अहिंसा करना नहीं चाहिए वो दिखाया गया है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, कि अहिंसा से नहीं, मतलब जो अपन शांत दिमाग से भी कर सकते हैं ऐसा काम जो अहिंसा से नहीं होता है, वैसा वैसा उन्होंने दिखाया। उनकी एक्टिंग तो बहुत मस्त है, जो है मराठी एक्टर है चिन्मय मांडलेकर, उनकी एक्टिंग तो बहुत, मतलब बहुत मस्त हुई है। एडिटिंग लेवल जिस तरह के, डायरेक्शन कैसा लगा? डायरेक्शन वगैरह सब मस्त है, खाली क्या हुआ जो बीच बीच में जो सीन थे, जैसे गांधी जी ने कुछ मतलब अलग अलग जो बोले कि प्यार करना, या और अलग अलग जो अहिंसा और वो सब जो थे वो थोड़ा गलत गलत दिखे, बाकी मूवी बहुत सही है। मतलब फोर, मतलब एज अ हिस्ट्री कोई देखना चाहता है तो हिस्ट्री के हिसाब से नहीं है वो, एज अ रियलिटी वो लोग दिखाना चाहते हैं, जो है मतलब आज के इसमें जो चल रहा है वो दिखाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम। मूवी को लेकर? मूवी तो अच्छी है, बट स्टार्टिंग में जो दिखाया गया कि जैसे इतिहास में वैसे ही दिखाया गया, बट एट दी एंड थोड़ा अलग लगा कि ऐसे इतिहास तो कभी पढ़ा नहीं था, तो सब डिफरेंट लगा थोड़ा एंड में। गोडसे की एक्टिंग, चिन्मय जी की एक्टिंग कैसी लगी? अच्छी है, बहुत अच्छी है, सबकी अच्छी है एक्चुअली एक्टिंग। मूवी में एज एन यंगस्टर्स क्या कुछ है सीखने की जैसा?
सीखने जैसा तो बहुत कुछ है। इसको मूवी में किसी को गलत नहीं दिखाया, ना गांधी को गलत दिखाया, ना गोडसे को गलत दिखाया, सबको न्यूट्रल रखा है। डायरेक्शन वाइज कैसी? डायरेक्शन राइटिंग सब अच्छा है। राइटिंग स्किल्स, स्क्रिप्ट पूरा ऑन परफेक्ट थी। हां, और क्लाइमेक्स कैसा लगा मूवी का? क्लाइमेक्स ठीक था, मतलब ऐसे। हां, 5 में से कितने स्टार्स दोगे? 5 में से 3.5 और 4। एक स्टार आप काट रहे हो, वो किसके लिए? अगर मैं कुछ जानना चाहूं, मतलब ऐसे में हिस्ट्री सीखा हूँ बचपन से स्कूल। हाँ। वैसे तो नहीं लगी मेरे को, स्टार्टिंग में लगी पर एंड में थोड़ा डिफरेंट लगा। ऐसे क्या लगा आपको डिफरेंट मूवी में? मतलब गांधी, अपना गोडसे ने गांधी जी को बचाया था, ऐसे तो कभी मैंने पढ़ा नहीं था। yes. तो वो डिफरेंट लगा। कैसी लगी मूवी? मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी नहीं लगी, अच्छी लगेगी, बट हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ किया गया इन लोगों ने। क्योंकि मैंने स्कूल टाइम से सुना है कि गांधी को गोडसे ने मारा, बट यहाँ पे मूवी में दिखाया गया है कि स्पॉइलर ही है, बट यहाँ पे बचाया है गोडसे ने गांधी को, और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मूवी है, क्योंकि जो टाइम जोन की बात कर रहे हैं इन लोग, मैंने कभी सुना ही नहीं है सब चीज़ें। और एक्टिंग वगैरह सब अच्छी है, बट मैं बोलूँगा कि इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कैसा है कि पहला गांधी का पकड़ा भारी दिखा है, फिर गोडसे का पकड़ा भारी दिखा है, तो दोनों को संभालते संभालते भूमि की पूरी इन लोग ने ये की है। पिक्चर में दो अलग थॉट प्रोसेस दिखाया। हाँ, हमें कहते विचारधारा। हाँ, आपको किसकी विचार अच्छे लगे, गांधी की या गोडसे की? देखिए, ये तो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा। देखिए, दोनों अपने अपनी जगह ग्रेट है, ऐसा मूवी में दिखाया गया है। गांधी जी ने बुरे काम नहीं किया, ऐसे मैं बोलूँगा, अच्छे काम भी किए हैं उन्होंने, बट कभी कभी क्या होता है कि अच्छे डिसीजन भी होते हैं तो फिर किसी के लिए ये हो जाता है ना, किसी के लिए बायस हो जाता है वो, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट लगा मूवी का मुझे, क्योंकि दोनों को ही इन लोगों ने इतना ये दिया है ना डोमिनेंस में, कि एट द एंड कोई कंक्लूड ही नहीं कर पाएगा कि कौन 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 गलत कौन सही। चिन्मय जी की एक्टिंग नहीं, माइंड ब्लोइंग एक्टिंग के बारे में देखूँ कोई भी, बस दोनों सब लोग बेस्ट परफॉर्म किए, बट जो स्क्रिप्टिंग और राइटिंग किया है ना, मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है। डायरेक्शन इज रियली गुड। मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से 4, और हिस्ट्री और रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 1.5 या 2। थैंक यू सर। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत लाजवाब मूवी है। राजकुमार संतोषी जी ने बहुत अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे कलाकार को कास्ट किया है, और पल भर की लगता है कि गांधी जी स्वयं आ गए हैं, नेहरू जी स्वयं आ गए हैं, अम्बेडकर साहब स्वयं आ चुके हैं, वल्लभ पटेल जी स्वयं, मतलब बहुत ही अच्छा कास्ट किया है। एक एक व्यक्ति को, एक एक एक्टर को प्रॉपर तरीके से जो जिसका डायलॉग्स होना चाहिए प्रॉपर अच्छा बोला है। बहुत अच्छी मूवी है। यंगस्टर्स को सीखने जैसा क्या था मूवी में? देखिए, आज की जो लड़ाई है विचारधारा की है, जो गलत है वो गलत है, झूठ कितना भी सच्चा हो लंगड़ा होता है, वो कहीं कहीं गिर ही पड़ता है। तो जो पीछे हो गया, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो करते हैं, ये गलत है। एक लाइन के साथ तो मैं बोलना चाहूँगा कि किसी पत्थर को पूछ पूछ के ना भगवान बनाया जाए, और किसी मजहब को काट के ना हिंदू या मुसलमान बनाया जाए, और बेहतर है कि इंसान को चांद पे भेजने से पहले उनको धरती पर ही इंसान बनाया जाए। स्क्रिप्ट, डायरेक्शन और एडिटिंग कैसी लगी? तीनों जगह किस में सबसे बेहतरीन थी मूवी? हर चीज़ अपने जगह बहुत अच्छा है, लेकिन जो डायलॉग्स हैं वो कभी कभी दिल को झकझोर देते हैं, डायलॉग्स बहुत प्यारा लगा। चिन्मय जी की एक्टिंग कैसी लगी? हाँ हाँ, समझ गया मैं। और गांधी जी का और चिन्मय जी का, दोनों का अपना अपनी जगह बहुत अच्छा एक्ट किया है। अब देखने वाले का नज़रिया कैसा होता है, मुझे अगर 100 में से नंबर दिया जाए तो मैं दोनों लोगों को 50-50 दूंगा। अपने काम को बहुत ही बारीकी से, बहुत शालीनता से, बहुत समझदारी के साथ, बहुत इंप्रेशन के साथ फुल दिया है उन्होंने। बड़े पर्दे पे दो अलग विचार आपको दर्शाया, सबसे अच्छा विचार किसका लगा आपको, गांधी जी का या गोडसे जी? देखिए, एक लाइन उसमें बोला गया है कि गांधी तो कोई एक दिन में बन सकता है, मैं हथियार उठा लूँ, किसी को ठोक दूँ तो मैं गोडसे बन सकता हूँ, लेकिन गांधी बनने के लिए बहुत सहना पड़ता है, बहुत सीखना पड़ता है, बहुत समझदारी के साथ और रिलैक्स होकर काम करना पड़ता है। और कितने आंदोलन के बाद गांधी बने, और आज हर व्यक्ति के जेब में नोट है तो उसमें गांधी जी की तस्वीर है, हर न्यायालय में गांधी जी की तस्वीर है, तो गांधी बनना इतना आसान नहीं है। तो 5 में से 4.5। गांधी की एक्टिंग में 5 में से कितना स्टार्स, और गोडसे की एक्टिंग को 5 में से कितने स्टार्स? गांधी जी की एक्टिंग में 5 में से मुझे 5 दूंगा, और गोडसे 4.5। थैंक यू, लव यू, थैंक यू।